शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, नहार में आम खाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। आम दही के साथ खाने से कब्ज फौरी खुल जाती है। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। ऊंट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त एक टमाटर खा लिया करो, जिंदगी भर आपके बाल सफेद नहीं होंगे। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करेगी। सब्जी का सालन ज्यादा खाया करो, बदन की खूबसूरती में इजाफा होता है। खीरा खाया करो, जिंदगी भर आपको सांस की बीमारी नहीं होगी। अमरूद के पत्ते चबाने से जहनी टेंशन खत्म हो जाती है। नबीना अफराद, आम इंसान की तरह ख्वाब नहीं देखते। रोजाना नहार में एक गिलास पानी पीने से जिंदगी भर होंठ नहीं फटते। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद ग्रीन टी वाले पानी से धोएं। इससे आपके बालों की खुश्की दूर हो जाएगी और बालों में चमक आ जाएगी। खामोश रहने से अकल में इजाफा होता है। अगर कॉकरोच वगैरह और चुंटियों से परेशान हैं, फर्श पर चौक की लकीरें खींचे कीड़े नहीं आएंगे। बाल जल्दी लंबे करना चाहते हैं तो चावलों वाले पानी से सर को धो लिया करें। सौंफ नहार में चबा लिया करें, नजर तेज हो जाएगी। दिमाग को तेज करना है तो बकरी के सर वाला गोश्त खाएं। जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं इनका जिगर खराब हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमजोर होते हैं इनको अंधेरे से खौफ आता है। जो लोग मट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको कोई बीमारी नहीं आती। जो लोग मोटे हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो नींबू का अचार खाया करें। नाजरीन, अगर मसाले की कमजोरी हो तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से मसाले की कमजोरी दूर हो जाती है। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो इस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो इस घर में बहुत सी बीमारियां नहीं आती। सफेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक जुकाम नहीं होगा। नाजरीन, 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हैं तो रात को इस बगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। केला छिलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने के बजाय वॉश बेसिन की नाली और भर्ची खाने में डाल दें। इससे लाल बैग नहीं आएंगी। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। नहार में एक गिलास निमकोल वाला पानी पीने से मोशन कभी नहीं लगते। जुड़वा बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्कशेक बनाकर पी लिया करें। अदरक की चाय सीने की जबरन और शदीद नजर जुकाम में इंतहाई मुफीद है। अगर आड़ू मुसलसल खाते रहोगे तो आपको हार्ट अटैक से महफूज रहोगे। सुबह नहार में 2 दाने अंजीर के खाने से आपको जिंदगी भर छाती का कैंसर नहीं होगा, शुगर की बीमारी दूर होगी और ब्लड प्रेशर का मसला दोबारा नहीं होगा और जोड़ों के दर्द का मसला हल हो जाएगा। तो 4 से 5 अदद अंजीर और आधा चाय का चम्मच अजवाइन 2 गिलास पानी में डालकर इतना जोश दें, जब पानी आधा रह जाए तो इसको पी लें। हफ्ते में 2 बार अमल करने से बहुत सी बीमारियां और सांस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और आधा चम्मच पीसा हुआ अदरक डालकर मिक्स कर लें और इसे पी लें। कुछ अर्सा इस अमल को जारी रखें, इससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और उठते बैठते जोड़ों के पटाखे निकलना भी बंद हो जाएगी। नाजरीन, जो लोग मुंह खोलकर सोने वाले हैं उनको दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। हर नमाज के बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने से रिजक के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज्यादा मीठे के इस्तेमाल से बाल जल्दी गिर जाते हैं। जो ज्यादा तेज चलते हैं वो अपने घर में ज्यादा मेहनती होते हैं। ज्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अनार आंतों की सेहत के लिए मुफीद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हम सब खूबसूरत ना भी हों तो खैर है, मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और मुलाकात से नहीं बल्कि मोहब्बत इत्तेफाक से बनते हैं। बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। सोने से पहले थोड़ी देर चहलकदमी करने से दिल की बीमारी नहीं होती। मटर खाने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। अगरबत्ती घर में जला लो, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आप रात को सोने से कबल दूध पी लें आपको बेहतरीन नींद आएगी।
जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग ज्यादा बैंगन पका कर खाया करें। ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं जो जिल्द के नरम हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। खाना पकाते हुए या लतीफ या वदूदों का वेद करें। इससे घर से बीमारियां, लड़ाई झगड़े, मियां बीवी की नचाकियां खत्म हो जाएंगी। प्यार, मोहब्बत, चैन, सुकून आ जाएगा। सुबह का नाश्ता करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। एलर्जी छिपाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जबान बदन का वो वाहन हिस्सा है जो चोट लगने पर फौरी ठीक हो जाता है। आंख में कचरा पड़ जाने की सूरत में दूध के 3 कतरे डालें, इंशाल्लाह कचरा बाहर निकल आएगा। दही के ऊपर वाली बलाई को कील मुहासों पर लगाएं, कील मुहासे 2 ही दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर सर में शदीद दर्द रहता है तो सेब के छिलके पर नमक लगाकर चूसने से सर का दर्द उतर जाता है। थूकने के दौरान खून आना कैंसर होने की अलामत हो सकती है। रोटी खाने से पहले या मकीतो 11 बार पढ़ ले। खाने से कबल 1 सेब खा लिया करो, दिमागी कमजोरी दूर होगी और इससे याददाश्त तेज हो जाएगी। जब आपको गुस्सा आ जाए तो दुरुशरी पढ़ो, गुस्सा दूर हो जाएगा। नाजरीन, बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार जरूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। गाजर खाकर दूध पीने से अकल में इजाफा होता है। चुकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल फायदेमंद है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो माल्टे और चुकंदर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। रात के खाने के बाद मीठा खाने से परहेज करें क्योंकि ये आपके बदन में सोने के अमल को मुतासर करता है। सुबह के वक्त रोजाना शबनम के कतरों पर चलने से ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। भिंडी का सालन हफ्ते में 2 बार खाओ, पेशाब की रुकावट दूर होगी। तलवंजी 99 बीमारियों की शफा है सिवाय मौत के। अगर 1 पाव कलवंजी में 1 कप लींबू का रस डालकर दूध में खुशक कर लिया जाए, आधी चम्मच सुबह शाम खा लें, वजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा। चीनी के बगैर लींबू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। नहार में लींबू के चंद कतरे मुंह में डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नाजरीन, आंखों पर जैतून के तेल का मसाज करने से नजर तेज होती है। घुटनों में दर्द रहता हो तो ड्राई फ्रूट को दूध के साथ इस्तेमाल करो। बादाम, अखरोट, काजू ये चीजें ताकतवर होती हैं। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। खाना खाकर सिर्फ 1 खजूर खा लिया करो, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। 1 चुटकी काला नमक नहार में चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमजोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। नाजरीन, सफर पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबाने से क्या और मतली का मसला नहीं होता। नहार में दूध में शहद डालकर पीने से बनाई तेज होती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिसकी नजर कम हो रही हो उसे मछली का सालन बनाकर खिला दो तो इसकी नजर तेज हो जाएगी। बड़े पेट जमा करने वाले पैदा होने वाला बच्चा सुस्त और कुंद ज़हन होता है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो नहार में प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज्यादा आते हैं। दांतों से नाखून काटोगे तो नजर कमजोर होगी। आंखों की सूजन के लिए अरके गुलाब का इस्तेमाल करो। शुगर के मरीज खीरा जरूर खाएं। हरी मिर्च बदन में खून जमने नहीं देती। कच्चे अदरक चने की दाल के बराबर खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। नीम के पत्तों का रस बदन पर मसल लेने से खारिश खत्म हो जाती है। चने की दाल खाओ, बुखार उतर जाएगा। छोटे बच्चों को खांसी का मसला हो तो छोटी इलायची पीस कर खिला दे, खांसी खत्म हो जाएगी। सोते वक्त रोगन बादाम दूध में डालकर पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। सबज धनिया सूंघ लेने से ज्यादा छींकी आना बंद हो जाती है। 3 चीजें अकल में इजाफा करती हैं, चंबेली का फूल, बादाम और खजूर। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। मेहनत और काम करने के बाद 1 गिलास गन्ने का जूस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। जिन लोगों की निगाह कमजोर है उनको शलजम जरूर खाने चाहिए। आड़ू जिस समय खून की गर्दिश को बढ़ाता है आंखों के लिए मुफीद है। असर और मगरब के दरमियान ताजा जलेबियां खाएं, दिमागी कमजोरी दूर होगी। थकावट को कम करना है तो दिन में 8 गिलास पानी हर सूरत पिया करें। रात को अंजीर पानी में भिगो दें, सुबह पी लिया करें।
बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बगल में प्याज रखकर सोने से बढ़ापा जल्दी नहीं आता। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया तब्दील कर देते हैं, कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अंडे खाओ, मेदे का दर्द नहीं होगा। हाँ, और बच्चे का रंग सफेद करना चाहती है तो ज्यादा से ज्यादा अनार का जूस पिया करे। सख्त आंखों में सफेदे के पत्ते रगड़ो, दाग खत्म हो जाएंगे। कलवंजी के 5 दाने नहार मुंह खाने से जिस्म की फालतू चिकनाई कम हो जाती है। नाजरीन, सूर्यमुखी का तेल दिल के पट्ठों को मजबूत करता है। चेहरे पर बढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पी लो। 50 ग्राम सफेद तिल के हम वजन मिश्री लेकर रात को सोते वक्त 1 चम्मच खाएं, मसाले की कमजोरी दूर हो जाएगी। रोजाना नहार मुंह इसबगोल खाने से मेदे की इंतजाबियत खत्म हो जाती है। नाखूनों का रंग पीला हो तो ये जरकान होने की निशानी है। अंडों का उबला हुआ पानी जाया ना करे, इसे चेहरे को धो लें तो चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। जब भी कहीं दर्द हो तो 7 बार सूरतुल नास पढ़कर वहां पर दम करें, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। जो मर्द या औरत वहम की बीमारी का शिकार है वो या सलाम रोजाना 136 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। सिर्फ 40 दिन पढ़े, इंशाल्लाह फाका होगा। आंख का रस इस्तेमाल करने से गुर्दे का दर्द, दिल की कमजोरी, कब्ज, जिगर की खराबी खत्म होती है। नाश्ते में डबल रोटी का इस्तेमाल करने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। घर में जगह जगह चुंटियां सुराख बना लें। इनको भगाना है तो इनके सुराखों के इर्द गिर्द मट्टी वाला तेल लगा दें। घर से कीड़े मकौड़े दूर भगाने के लिए जामन की लकड़ी जलाकर एक बार धोनी जरूर दें। टमाटर के साथ कभी दूध इस्तेमाल मत करें। खीरे के साथ पानी मत पिए। औरतों के अंदर खून की कमी हो जाए तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें और रोजाना खजूर का इस्तेमाल करें। दांतों से नाखून काटोगे तो नजर कमजोर होगी। गर्म रोटी के साथ दही मत खाएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिए। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। बहरेपन से निजात के लिए कानों में रोगने बादाम डालने से बहरापन दूर हो जाता है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों के बल के पास अंडे का खाली खोल रख दें। चूहे खुद ही भाग जाएंगे। शाम के वक्त सेब मत खाएं, से कब्ज हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले इंसान के दलील के अंदर कोई वजन नहीं रहता, इसलिए हमेशा कम बोलें। अपनी हर सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से किया करें, इससे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। नाजरीन, अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से इंसान कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है इसके रूह इतनी मजबूत हो जाती है। जिसका किरदार जितना मजबूत हो इसके गांव इतने ही ज्यादा होते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमागी कमजोरी या भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगा दें। नाक में सरसों के तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काली ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को तेज करता है। मुल्तानी मिट्टी के पेड़े बनाकर कमरे में लगाओ, छिटकलियां नहीं आएंगी। जिस्म में किसी भी बायस गर्मी हो तो हाथ पांव जलते हो तो खुशक दलिया और मिश्री हम वजन मिलाकर सफूफ बनाएं। आधा चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, जिस्म की तमाम गर्मी जाहिर हो जाएगी। केला बंदे की तवानाई में इजाफा करता है। अंगूर खून की नालियों में आराम देता है। मेहमानों को अंधेरे में मत बैठाओ वरना घर से बरकत उठ जाएगी। जिस औरत के गर्दन पर बाल हो वो औरत अक्सर बीमार रहती है। अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। अगर सोने से पहले अदरक चबा लें तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। जलेबी को दूध में डालकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। नाजरीन, नहार मुंह केला खाओ, बेचैनी और जहनी दबाव खत्म हो जाएगा। रात को खाली पेट दौड़ लेने से 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होती और ना ही इंसान को दिल का दौरा पड़ता है। मोटापा कम करने के लिए 10 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम अजवाइन को पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसे उतारकर मोटी औरत को पिला दें। चंद दिन में ही अफाका होगा। इस टोटके के बाद मोटापे को अलविदा कहें। दांतों में दर्द रहता है तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगाएं। जिनको फिफड़ों की बीमारी का मसला हो अक्सर गमगीन रहते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो वहां कभी भी रिजल्ट की फराखी नहीं हो सकती। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। नाजरीन,
पेट में गैस भर गई है तो खाने वाला चम्मच सौंफ का पाउडर दिन में एक मरतबा नीम गर्म पानी के साथ एक छोटा चम्मच लें। ये आंखों की सेहत के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा भी पा सकते हैं। दूध पिलाने वाली औरतों के लिए भी फायदेमंद है। दूध के साथ लाल जीरा खाने से जख्म जल्दी भरते हैं। मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। हामला औरत के पेट में दर्द रहता है तो नहार वो इसबगोल का छिलका दही में शामिल करके खा ले। जिस औरत के कान के पीछे बाल होते हैं ऐसी औरत बदकिस्मत होती है। जिस औरत की टांगों पर ज्यादा बाल होते हैं ऐसी औरत बेटी जन्म देती है। खाम में आम का देखना खुशी मिलने की बेटा होगा। सोते वक्त नाक में बादाम का तेल के 3 कतरे डाल लो, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी। नहाने से पहले नारियल के तेल की मालिश करो, जिल्द बेहतरीन हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।